मुझे तो बहुत ज्यादा एस्पिरेशन है, मैं तो क्रेजी हो गया है उसे मैंने ट्रेलर देखा है। पुष्पा का जो डायलॉग है मुझे तो सबसे शानदार लगा है पुष्पा का डायलॉग, पुष्पा राज जो पेगा रे सारा। पुष्पा पहले वाले फिल्म में जो है वो गरीब था, अब वो अमीर हो चुका है। तो मुझे थोड़ा ओवर हाइप लगा, मुझे लगा कि वही जो रेगुलर साउथ इंडियन फिल्म्स होती हैं ना वही सब दिखाया। अल्लू अर्जुन जिस तरह से साउथ में फेमस है, आप मुझे लगता है थोड़े बहुत कदम बॉलीवुड में भी लाना चाहते हैं और बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरेंगे। बढ़िया है ट्रेलर, मजा आएगा, मैं तो वेट कर रहा हूं कब मूवी रिलीज होगी। बहुत अच्छा है जो हाइप दे रखे हैं ना, बहुत अच्छी हाइप दी है। पुष्पा 2 भी बहुत धमाल करेगी। ट्रेलर अच्छा था लेकिन जो थोड़ा क्रिंज मुझे लगा वो था डायलॉग, वो पुष्पा फायर नहीं वाइट फायर है। एक ऐसा नाम है जो इस टाइम पर इतना ज्यादा ट्रैक कर रहा है वो है अल्लू अर्जुन का। क्यों? वो तो आप समझ ही गए होंगे, पुष्पा 2 का ट्रेलर जो रिलीज हो गया है। यहाँ पर ऑफिस में लोगों से जानते हैं कि उन्हें ट्रेलर कैसा लगा और वो इस मूवी को देखने में कितना एक्साइटेड है। तो लेट्स गो। मुझे तो इतना पसंद नहीं आया ट्रेलर देखने, मतलब जो पहला वाला ट्रेलर था ना और पहली वाली जो मूवी थी तो उसके कंपेयर में वो दम नहीं है जो मतलब एक और हमको था ना कि नहीं पुष्पा 2 आएगी और मतलब फिर होता है ना अंदर से कि फेस था क्रेन था वो इस ट्रेलर में हमें देखने को नहीं। क्या मुझे थोड़ा ओवर हाइप लगा, मुझे लगा कि वही जो रेगुलर साउथ इंडियन फिल्म्स होती हैं ना वही सब दिखाया गया, मतलब एक जो देसी फील है वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें मिसिंग लगा। आई होप फिल्म अच्छा करे एंड फिल्म की हाइप भी बहुत है लेकिन मुझे लगता है ना कि वी शुड बी वेरी जेन्युइन। मतलब पीयर प्रेशर में भी लोग कह रहे हैं अच्छा 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 भाई, मतलब ऐसा कुछ तो हम KGF वाले देख चुके हैं, इससे बढ़िया देख चुके हैं। तो मुझे थोड़ा ओवर हाइप लगा, एवरेज लगा, बट आई होप फिल्म अच्छी। ट्रेलर से ट्रेलर पुष्पा 1 का भी बहुत अच्छा था बट पिक्चर अच्छी निकली थी, इसके साथ भी आई एम होपिंग वैसा ही। आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे कंगुआ की भी बड़ी हाइप बट फिल्म बहुत बेकार निकली, और बड़ी सारी फिल्में हैं जिनके पार्ट 2 खराब ही निकली, तो आई होप इसके साथ ऐसा ना हो। बट ट्रेलर तो ओवर हाइप जो रैपिड मूवी रिपीटेड लग रही है, बट अगर मैं बात करूँ रश्मिका की मेनली तो इस बार शायद लगता है कि उसका ज्यादा रोल देखने को मिलेगा, लाइक एज अ वाइफ वो ज्यादा पोर्ट्रे होने वाली है मूवी में। पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा? हाँ जी बिल्कुल देखा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और फैंटास्टिक ट्रेलर है। जिस तरीके से पुष्पा अपनी ब्रांड नेशनली पहले जलवा दिखा रहा था, इस बार इंटरनेशनल भी पुष्पा 2 बहुत ज़्यादा अच्छी थी और दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो आपने पहले मूवी को हिट बता दिया? हाँ मैंने बिल्कुल हिट बता दिया और इस बार भी मुझे लगता है कि ब्लॉकबस्टर जाएंगी और ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। अल्लू अर्जुन के बारे में क्या कहती? अल्लू अर्जुन जिस तरह से साउथ में फेमस है, आप मुझे लगता है थोड़े बहुत कदम बॉलीवुड में भी लाना चाहते हैं और बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरेंगे। अर्जुन अल्लू अर्जुन का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उसकी कोई भी मूवी ऐसे कोई मूवी नहीं है जो मैंने नहीं देखी। लकी द रेसर, DJ, सर नायडू और मतलब जो पुरानी वाली पुष्पा थी इससे इस वाले उसमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है एक्शन भरपूर होने वाला है। एक दो थोड़े इमोशनल सीन्स होंगे क्योंकि जब हमने शिवल्ली के साथ उसको देखा वो हक कर रहा है और ऐसा लगा कि एक दो इमोशनल सीन्स है, कहीं पर हो सकता है कि पुष्पा डाउन हुआ है, थोड़ा सा उसको डाउन हुआ है या तो कुछ कोई क्राइसिस आ गया या मतलब इस तरीके से। बाकी ओवरऑल बढ़िया है ट्रेलर, मज़ा आएगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब मूवी रिलीज होगी। बहुत अच्छा था और बात करें उसके सिनेमाटोग्राफी की तो बहुत ही अलग था और साथ ही में इसमें एक्शंस की जब बात करें तो बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसको दिखाया गया। ट्रेलर अच्छा है, मतलब पुष्पा 1 अच्छी थी, ट्रेलर कैसा भी हो पुष्पा 2 भी बहुत धमाल करेगी। ट्रेलर कैसा भी हो मतलब अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, मतलब ठीक है बहुत ज़्यादा BGM नहीं है पहले की तरह जो साउथ की फिल्मों में होता है, बाकी ओवरऑल अच्छा है, एक्शन बहुत है और फिल्म तो चलेगी, काफ़ी चलेगी। बेसिकली एक्शन है इसमें तो एक्शन देखने के लिए लोग इंडियन ऑडियंस जो है वो ज़्यादा रहती है क्या? बिल्कुल यार, आई थिंक एक्शन विद स्टोरी तो काफ़ी ऐसा वाइल्ड है तो और इस बार वाइल्ड है। बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर है, मतलब क्या ट्रेलर बना है, अल्लू अर्जुन वापस कम बैक कर रहे, ओए ओए मज़े आ गए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दिस मूवी विल प्ले आउट। ट्रेलर की भी बात होगी और लोगों से रिव्यूज भी ले लिए, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कुछ लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो मूवी से ज़्यादा आए हैं, ट्रेलर तो उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा क्या आने वाले टाइम में अल्लू अर्जुन का ये जो ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है ये कितने लोगों को एक्साइट करती है और कितने लोगों को पसंद आती है। सो स्टे ट्यून्ड विद ENT Live। Thank you.